खरीदारों का बेसब्री से इंतजार कर रहे प्रॉपर्टी मार्केट में हर जगह गिरावट नहीं है। लोकेशंस के हिसाब से देश भर के अलग अलग हिस्सों में बनाए जा रहे कई प्रोजेक्ट्स में कीमत आसमान तक जा पहुंची है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म एनारॉक ने देश भर की 10 सबसे महंगी लोकेशंस पे रिपोर्ट रिलीज की है। मंदी के दौर में भी रियल एस्टेट मार्केट की महंगाई का दम बरकरार है। एनारॉक के सर्वे में देश की टॉप 10 लोकेशंस की रिपोर्ट जारी की गई है। इस सर्वे में केवल प्राइमरी मार्केट को शामिल किया गया है, यानी केवल वही इलाके जहां पर प्रोजेक्ट्स विकसित किए जा रहे हैं और इनमें सीधे बिल्डर से फ्लैट खरीदा जा सकता है। इस लिस्ट में सेकेंडरी मार्केट यानी रीसेल को शुमार नहीं किया गया है। उम्मीद के मुताबिक रियल एस्टेट के लिहाज से पहले नंबर पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का जलवा बरकरार है, लेकिन ये जानकर हैरानी हो सकती है कि मुंबई में बांद्रा या मालाबार हिल्स नहीं बल्कि तारदेव देश का सबसे महंगा रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पर मिलने वाले घरों की औसत कीमत 56,000 रुपए प्रति वर्ग फुट से भी ज्यादा है। इतनी ज्यादा कीमत का सीधा रिश्ता सप्लाई और डिमांड के अंतर से है। जानकारों का मानना है कि इतनी कीमत केवल लोकेशन की वजह से है। ताजा रिपोर्ट एनारॉक की आई है, उसमें लिखा है कि मेट्रो सिटीज में काफी महंगे हैं मकान, तो अब मुझे लगता है कि मेट्रो सिटीज के बाद टायर थ्री सिटीज में अफोर्डेबल हाउसिंग की काफ़ी डिमांड बनेगी, क्योंकि उनको बजट में जो हाउसेज मिल रहे हैं तो उससे काफ़ी तेज़ी से डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि मेट्रोज में रेट काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और सबसे ज़्यादा बेनिफिट लो इनकम ग्रुप वालों को रहेगा, जिनको CLS का बेनिफिट मिल रहा है, रेट इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है और कुछ राज्य सरकारें भी अपना सब्सिडी दे रही हैं, तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में आने वाले समय में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होगा। तारदेव की पहचान देश की सबसे ऊंची इमारत इंपीरियल टावर्स की वजह से भी है। एनारॉक के मुताबिक इसके बाद वर्ली का नंबर आता है, जहां घरों की औसतन कीमत 41,500 रुपए प्रति वर्ग फुट है। मुंबई का महालक्ष्मी 40,000 रुपए प्रति वर्ग फुट कीमत के साथ तीसरे स्थान पर है। कीमत के लिहाज से तो इसके बाद मुंबई का नंबर टॉप 10 में नहीं आता, लेकिन इसके बाद बाकी जगहों पर कीमत एकदम गिरकर तारदेव के मुकाबले एक तिहाई से भी कम हो जाती है। मुंबई की तरह चेन्नई के भी 3 इलाके टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। चेन्नई का नुंगम बक्कम 18,000 रुपए प्रति वर्ग फुट के साथ चौथे स्थान पर है। चेन्नई का ही एगमोर 15,100 रुपए प्रति वर्ग फुट के साथ पांचवे और चेन्नई का अन्ना नगर 13,000 रुपए प्रति वर्ग फुट के साथ सातवें स्थान पर रहा। दिल्ली NCR से भी 2 इलाकों को लिस्ट में जगह बनाने का मौका मिल गया। दिल्ली का करोल बाग 13,500 रुपए प्रति वर्ग फुट के साथ छठे स्थान पर है। गुरुग्राम का गोल्फ कोर्स रोड 12,500 रुपए प्रति वर्ग फुट के साथ नौवे स्थान पर है। पुणे का कोरेगांव 12,500 रुपए प्रति वर्ग फुट के साथ आठवें और कोलकाता का अलीपुर 11,800 रुपए प्रति वर्ग फुट के साथ दसवें नंबर पर रहा। जानकारों का मानना है कि रेरा जैसे कानून आने और ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में कमी से महंगी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को भी खरीदार खोजने में दिक्कत नहीं। वैसे अगर माहौल में इतनी मंदी नहीं होती तो मुमकिन है कि इन कीमतों में और ज्यादा तेजी का आलम नजर आता। आदित्य के राणा, आज तक।